नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आपके साथ यूकेपीएससी का एक और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि इस पेपर के माध्यम से आप आगामी आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वह आपका आरओ एआरओ का पेपर हो, या आने वाला यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का पेपर हो, या आपका एई जेई की जो भी भर्ती आयोग द्वारा निकाली गई हैं उनका पेपर हो, उन सभी के लिए यह क्वेश्चंस जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन सभी के लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको हमारे जितने भी आयोग द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सभी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस विद सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्न पत्र की। पहला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल वॉज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक। वीरेन डंगवाल जी की जो बुक है वो है दुष्चक्र में सृष्टा, विच इज ऑप्शन सी। आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर्स में वीरेन डंगवाल जी पर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो इन पर पूछा गया है वह यह है कि वीरेन डंगवाल वॉज बॉर्न इन विच प्लेस। सो ही वॉज बॉर्न इन कीर्ति नगर, विच इज सिचुएटेड इन टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ड्यूरिंग हरेला फेस्टिवल 2015 इज नोन एज। ये उस टाइम का करंट अफेयर था। दैट इसका आंसर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इसका आंसर था हमारा पेड़ हमारा धन, विच इज ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ अमेरिका इज द सिलिकन वैली सिचुएटेड। सो द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। हमारी धरोहर स्कीम इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड टू, सो द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन डी, प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज दैट द गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बोरो ओवर द साइकिल टू फाइनेंस करंट एक्सपेंडिचर, ओल्ड लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विच इज इन्वेस्टमेंट्स। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज एट नेशनल लेवल फॉर। अब ये पूछ रहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विच इज MSP भी इसको बोलते हैं, कितने क्रॉप्स के लिए CACP द्वारा घोषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23। CACP इज वन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि आपका MSP निर्धारित करती है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल इज फाउंड एट द फॉलोइंग प्लेसेस, हुट्टी, कोलार एंड रामगिरी। देखिए, अगर आपको तीनों जगह के नाम भी नहीं पता और आपको या तो फिर कोलार माइंस पता है या हुट्टी माइंस पता है जो कि कर्नाटका में है, दीज आर रिलेटेड टू गोल्ड। सो द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन डी। एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो टारगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2014-15 हैज बीन फिक्स्ड एट। ये उस टाइम का करंट अफेयर था, सो आई एम स्किपिंग दिस, बट लेट मी टेल यू। देखिए, आप इस क्वेश्चन से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं यूकेपीएससी के पेपर्स का। एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो टारगेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रिसेंट टारगेट होगा, फॉर एग्जाम्पल 2021-22 का जो रहा होगा, उसको आप याद करके जरूर अपने पेपर में जाएं, बिकॉज इसी पैटर्न पे आयोग द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डब्ड एज ए लिविंग फॉसिल। स्पेनोडॉन, द आंसर टू दिस इज स्पेनोडॉन, विच इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिटर्निंग बैक एन ऑर्डनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्निंग बैक अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, समनिंग ऑफ द सेशन ऑफ राज्यसभा। द आंसर टू दिस इज बी, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अप टू वट एज कैन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्व। सो द आंसर टू दिस विल बी 65, विच इज ऑप्शन सी। वट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ अ पंचायत, द आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, विच इज 25, विच इज 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स इन इंडिया आर। सो द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन डी, विच इज धारवाड़ रॉक्स। क्वेश्चन 14 इज, गंडक रिवर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम्स। दिस इज ऑप्शन सी, विच इज गंगा। एट वट ऑल्टीट्यूड आर एल्पाइन फॉरेस्ट फाउंड। सो द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन डी, 2900-3500 मीटर्स। देखिए, इनमें जो अदर ऑप्शंस हैं आप उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शंस ए एंड बी को। अगर आप में थोड़ा भी कन्फ्यूजन आएगा तो दैट विल बी बिटवीन ऑप्शन सी एंड डी। एंड इन केस ऐसा आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी होता है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, ऐसा हो सकता है, यू शुड मार्क एन आंसर इन दैट क्वेश्चन, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 ही है यूकेपीएससी के एग्जाम्स में। सो यू शुड टेक अ गैस एंड मूव फॉरवर्ड। वेर इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड। दिस इज नीलगिरी एंड इट वॉज सेट अप इन 19
86 एज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया. द मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट पेरम्बूर, विच इज ऑप्शन डी. हु अमंग द फॉलोइंग डेसिफर्ड द मौर्यन ब्रह्मी फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज जेम्स प्रिंसेप. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. विच इंडियन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर राइनोसेरस पॉपुलेशन. दिस इज काजीरंगा. ऑल्सो इट वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट फोन्स विच वर बींग यूज इन दैट नेशनल पार्क. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वॉज नॉट मैंशनड इन ऋग्वेद. द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी जनपद. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइट बी आस्ड इन द कमिंग यूकेपीएससी एग्जाम्स. भीम बेट का विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर. दिस आंसर इज ऑप्शन ए विच इज प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23. द कॉपर कॉइन कॉल्ड जीतल वॉज इशूड बाय. सो द आंसर टू दिस विल बी इल्तुतमिश. दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन. जीतल वॉज इशूड बाय इल्तुतमिश. हु रोट जहांगीर चंद्रिका. दिस इज केशव दास. ऑप्शन ए. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मनसबदारी सिस्टम वॉज रिलेटेड टू. दिस इज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन विच इज ऑप्शन सी. शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन हैड अष्टप्रधान. द सिस्टम विच वॉज फॉलोड बाय शिवाजी फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज द अष्टप्रधान सिस्टम. सो द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन डी. महलवारी सिस्टम वॉज रिलेटेड टू. द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन बी विच इज लैंड रेवेन्यू. देर वॉज परमानेंट सेटलमेंट. देर वॉज रायतवारी सिस्टम एंड देन देर वॉज महलवारी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट. सो द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन ए विच इज सेकेंड. द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विच इज फिक्की वॉज सेटअप इन द ईयर. फिक्की वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1927. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. हु फाउंडेड द इंडियन नटाल कांग्रेस. नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस बट इंडियन नटाल कांग्रेस. दिस इज महात्मा गांधी विच इज ऑप्शन ए. विच पार्टी डिक्लेयर्ड 16th August 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. दिस वॉज बाय मुस्लिम लीग. ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइमन कमीशन आर फॉल्स. द कमीशन हैड 5 मेंबर्स. नो दिस इज फॉल्स बिकॉज द साइमन कमीशन हैड 7 मेंबर्स. सो वन इज फॉल्स. सो आर आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए बाय एलिमिनेशन टेक्निक. Which of the following act made a provision for setting up a public service commission in India? This is a very important question and this was done by the Government of India Act of 1935, which is option B. Question 34 is, in which year was the All India Women Conference established? So the answer to this is option C, which is 1927, the same year in which FICCI was established. Which of the following subcaste is not based on place name? This is Joshi and this very question was repeated in one of the papers which was conducted by Uttarakhand Service Public Service Commission. I think it was in lower pre for the which the result has been declared recently. Which of the following Rajput subcaste is considered as Suryavanshi? This question might be asked and the answer to this is Pal, which is option B. In the temple of a local deity of Uttarakhand, people appeal for justice through letters. Who is that deity? That is Golu Devta, which is option A. Which local deity in Gadwal region is known as Chalanda Wandering? This is Mahasu Devta, which is option B. Question number 39 is, who composed the Gad Rajya Vansha Ithihas? The answer to this is Molaram. Also, there was a question asked in lower pre-held on 12th December. Who was the author of Ganik Natak? It was again Molaram. Also, another question which is asked is, who brought the paintings of Molaram into limelight? And the answer to that question then will be Barrister Mukundilal. So, Barrister Mukundilal was the one who brought the paintings of Molaram into limelight. Question 40 is, which of the following is not a folk dance song? Tandi, Thadia, Chofula, Khuder. The answer to this will be option D. Generally, the time span of the Kumbh Mela in Haridwar is considered to be. So, the answer to this will be option A, which is Makar Sankranti to Vaisakhi. Who is the central character of Hill Jatra folk play? Hill Jatra folk play is Lakhya Bhuta and this is held in Pithoragarh district of Uttarakhand. Pithoragarh district.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फेमस फॉर स्कीइंग, दिस इज ओली. विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर तुरी एंड रनसिंगा, दे आर सुसिर वाद्य, ऑप्शन बी. द प्रिवेलेंट टर्म फॉर अल्पना, अ फोक आर्ट ऑफ उत्तराखंड इज, दिस इज आईपन, विच इज ऑप्शन ए. इन विच ईयर द पब्लिकेशन ऑफ गढ़वाल समाचार डिड स्टार्ट, दिस वॉज 1902 AD, विच इज ऑप्शन बी. विच प्लेस ऑफ कुमाऊं इज फेमस फॉर रंगवाली पिचौड़ी, द आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, विच इज अल्मोड़ा. टू हुम इज द देवभूमि द्रोणचार्य अवार्ड गिवन, दिस इज कोच, विच इज ऑप्शन बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन माउंटेन सिस्टम ओरिजिनेट आउट ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइंस, सो द आंसर टू दिस इज टेथिस जियोसिंक्लाइंस. यू शुड नो दिस वेन यू स्टडी द हिमालयन माउंटेन सिस्टम. इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड द ग्रेटर हिमालय इज स्प्रेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज स्प्रेड ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आर स्टेट उत्तराखंड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर अलकनंदा, भिलंगना, पिंडर, मंदाकिनी, नंदाकिनी. पिंडर इज अ ट्रिब्यूटरी मीट्स अलकनंदा एट कर्णप्रयाग, मंदाकिनी इज अ ट्रिब्यूटरी मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग, नंदाकिनी मीट्स अलकनंदा एट नंदप्रयाग, बट भिलंगना इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी. भिलंगना विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम खतलिंग ग्लेशियर इन टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट मीट्स भागीरथी, एंड द टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स विच इज भागीरथी एंड भिलंगना. यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स. विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड डज रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दिस इज आउटर हिमालयाज, विच इज ऑप्शन बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैश क्रॉप ऑफ उत्तराखंड, द आंसर टू दिस इज शुगर केन. आउट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द नेट सोन एरिया इन उत्तराखंड, दिस इज वीट. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैग्नेसाइट डिपॉजिट्स इन उत्तराखंड, सो द आंसर टू दिस विल बी बागेश्वर पिथौरागढ़ एंड चमोली, विच इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल डिजास्टर दैट टुक प्लेस इन उत्तरकाशी ऑन 20 December 1991 वॉज, दिस वॉज अ हैवी अर्थक्वेक, अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वन. सो यू नो द सेम क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन इज एज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक टुक प्लेस इन उत्तरकाशी इन विच ईयर, देन द आंसर विल बी 1991. और दे कैन आस्क अ वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वॉज हेल्ड इन उत्तरकाशी वॉज हेल्ड इन विच प्लेस इन 1991, देन इट विल बी उत्तरकाशी. सिमिलरली बिकॉज दिस सिमिलर क्वेश्चन हैव बीन आस्ड बाय आयोग दैट मलपा लैंड स्लाइड विच टेक प्लेस इन पिथौरागढ़, इट हैपन्ड इन विच ईयर, इट हैपन्ड इन 1998. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 57, द सिस्टम ऑफ 36 रकम 32 कलम वॉज अबॉलिश्ड बाय, दिस इज गोरखा रूलर्स, विच इज ऑप्शन बी. तराई डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड इन, दिस इज 1842 AD. 10th सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 10th सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय, दिस इज ई के पाओ, विच इज ऑप्शन बी. द शेयर ऑफ जमींदार इन द हार्वेस्टेड क्रॉप इन टीरी स्टेट वॉज नोन एज, दिस इज तिहार, ऑप्शन डी. हु हैज द कंट्रोल ओवर सिविल फॉरेस्ट इन उत्तराखंड, दिस इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विच इज ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, पेशकर, प्रधान, तहसीलदार, नन ऑफ दीज, दिस इज प्रधान, ऑप्शन बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, सो द आंसर टू दिस विल बी ऑल ऑफ दीज बिकॉज मंडुआ, पैडी, झंगुरा ऑल आर खरीफ क्रॉप्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज मेनली इन्वॉल्व इन शीप रेयरिंग, शीप रेयरिंग मेनली इन्वॉल्व, दिस इज भोटिया, ऑल्सो दे वर द वंस हु ट्रेडेड विद चाइना और तिब्बत बिफोर द वॉर ऑफ 1962. जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वॉज नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ गोविंद वल्लभ पंत इन विच ईयर, सो द आंसर टू दिस विल बी 1972. बट द सेम क्वेश्चन इफ आस्ड इन अ वे, अगर पूछा जाता है पंतनगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, देन इट विल बी 1960. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 बट गोविंद वल्लभ पंत वॉज एडेड टू इट्स नेम इन 1972 AD. क्वेश्चन 66 इज द वाइड स्केल मूवमेंट फॉर द एबॉलिशन ऑफ कुली बेगार प्रथा ऑन 13 January 1921 AD टुक प्लेस एट, दिस इज बागेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन पूछ लेंगे द फेमस कुली बेगार प्रथा विच वॉज हेल्ड इन बागेश्वर, इट वॉज एबॉलिश्ड इन विच ईयर, दिस विल बी देन 1921. वॉट इज पाथा, पाथा इज अ पॉट, ट्रेडिशनल पॉट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, दिस इज ऑप्शन सी. द टर्म मुट्ठी इज ए यूनिट टू मेजर द, दिस इज लैंड, विच इज ऑप्शन बी. हु वॉज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड, द
आंसर टू दिस इज यशपाल यारिया, विच इज ऑप्शन डी. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज गैरसैंड सिचुएटेड? गैरसैंड ऑल्सो इन वेयर द रिसेंट, नॉट द रिसेंट बट या वेयर नॉर्मली द विंटर सेशन ऑफ आर उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली इज हेल्ड. दिस इज चमोली डिस्ट्रिक्ट. इट इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु ग्रांटेड हिज कंसेंट टू द बिल ऑफ क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट वॉज, ही वॉज के आर नारायणन. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन उत्तराखंड इज द 27th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन. माइट बी आस्ड इन द कमिंग पेपर्स. उत्तराखंड इज द 27th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन. ऑल्सो अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन जीके. एज ऑफ नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एज ऑफ फेब्रवरी 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हु ऑल्सो बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ही वॉज जस्टिस H.H. कपाड़िया, विच इज ऑप्शन डी. द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम उत्तराखंड इज 3, विच इज ऑप्शन सी. नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इज 5. नंबर ऑफ टोटल सीट्स इन द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली इज 70. नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ST शेड्यूल कास्ट इज 2 एंड नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SC इज 13. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गंगा गाय महिला डेयरी स्कीम वॉज लॉन्च इन उत्तराखंड बाय. दिस वॉज लॉन्च बाय हरीश रावत, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 76 इज हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन. दिस वॉज NP नवानी, विच इज ऑप्शन ए. हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट. दिस इज वीरेंद्र रावत, विच इज ऑप्शन बी. तिलाड़ी मैसेकेर टुक प्लेस ऑन 30th May 1930. अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिटेल में उन्होंने पूछ लिया, सो यू शुड रिमेंबर द डेट बिकॉज 30th May तो और ऑप्शन में भी था बट द ईयर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दस द आंसर इज 30th May 1930. विथ सेक्ट डिड नॉट रजिस्टर इट्स एंट्री एट ऑल इन उत्तराखंड. कबीर पंथ, सत्यनाथ पंथ, वैरागी पंथ, नास्तिक पंथ. सो द आंसर इज नास्तिक पंथ, विच इज ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट. श्रीनगर अजयपाल, दिस इज करेक्ट. टिहरी सुदर्शन साय इज करेक्ट. अल्मोड़ा कनकपाल. चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप. द आंसर इज अल्मोड़ा कनकपाल, दिस इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन 81 इज वेयर डिड द मुगल प्रिंस सुलेमान शिको टेक शेल्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग्स. गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, हिमाचल. दिस इज गढ़वाल, विच इज ऑप्शन ए. द किंग ऑफ गढ़वाल हु वॉज किल्ड आफ्टर बींग डिफीटेड बाय द गुरखाज वॉज, दिस वॉज प्रद्युमन शाह, विच इज ऑप्शन बी. एंड ही वॉज डिफीटेड बाय द गुरखाज इन 1804 इन द बैटल ऑफ खुरबुरा. बैटल ऑफ खुरबुरा 1804. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉन टूटी वॉज एन आइडल, अ कॉइन, अ टैक्स, अ बिल्डिंग. सो पॉन टूटी वॉज अ टैक्स. Who among the following was not a freedom fighter? Gaura Devi, Mahavir Tyagi, Govind Vallabh Pant, H.N. Boguna. Gaura Devi was not a freedom fighter. She was the one who was responsible for the Chipko movement in Chamoli district. And she belonged to Rainy village of Chamoli district, initiator of Chipko movement. Which of the following combinations is not correct? Lansdowne, Gadwal Rifles, that is absolutely correct. Rani Khet, Gorkha Regiment. No, Rani Khet is Kumaon Regiment, so this is not correct. Dehradun, IMA, that is correct. Chamba, Gabbar Singh Memorial Monument, this is correct. See, from these options, you can figure out. They might ask, Gabbar Singh Memorial Monument is located at which place? So it is located at Chamba, which is located in Tehri Gadwal district of Uttarakhand. Also, Indian Military Academy was set up in Dehradun in the year 1932. This is also very, very important. Question 86 is, which of the following places is a famous Muslim religious place? See, the very famous Muslim religious place in Uttarakhand is Piran Kaliar Rudki. So, no doubt, the answer is option C, Piran Kaliar Rudki. Which of the following pair is correctly matched? Jim Corbett, politician? No, he was the one after which our national park, Corbett National Park, is named. B.D. Pandey is a historian, that is true. E.T. Atkinson, artist, no. Mohan Upreti, engineer, no. So option B is the correct answer. Next question is question 88. 10th World Hindi Conference was held at, this was a current affair at that time, so I am skipping this question. SAI, Sports Authority of India, is related to, of course, this is Sports Authority of India related to sports. The software which allows you to view the web page is called, this is web browser, option B. Which of the following is not an output device? Plotter, printer, monitor, scanner. Scanner is an input device and not an output device. In fiber optics, the signal source is, this is light waves.
एंड फाइबर ऑप्टिक्स दे बेसिकली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स. क्वेश्चन 93. इन फॉलोइंग चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आईओ टेक्निक्स डू द बैंक्स जनरली फॉलो. दिस इज MICR विच इज ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोमेंटम. मोमेंटम इज नॉट स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पोलियो इज कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया, वायरस विद सिंगल स्टैंडर्ड RNA, वायरस विद सिंगल स्टैंडर्ड DNA. सो दिस इज वेरी क्लियर दैट पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस. बट सी यू हैर यू हैव टू ऑप्शंस, ऑप्शन सी एंड डी, इन विच बोथ वायरस इज मैंशनड. यू शुड नो दैट पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस विद सिंगल स्टैंडर्ड RNA. सो ऑप्शन ए सी विल बी करेक्ट. द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन आर SO2 एंड NO2, सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज कोबाल्ट. ऑप्शन ए. द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, दिस इज इंसुलिन, विच इज ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू रेयरिंग ऑफ हनी बीज. दिस इज एपीकल्चर, विच इज ऑप्शन डी. अकॉर्डिंग टू अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2014-15. द आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज माइसोर. दिस वॉज अ करंट अफेयर एट दैट टाइम, बट लेट मी टेल यू अ क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स. अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, इंदौर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द फिफ्थ कंजेक्यूटिव टाइम्स. सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्ड दैट विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टॉप मोस्ट रैंकिंग सिटी एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, देन योर आंसर विल बी इंदौर. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर. होप यू लाइक आवर वीडियो. यू कैन मेक डाउन शॉर्ट नोट्स व्हाइल आई एम डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चन, सो दैट यू नो दीज वीडियोज do help you in your forthcoming examinations. Do subscribe to our YouTube channel to keep yourself updated with the regular content that we posted out on the Telegram group or on the YouTube channel. Thank you and have a nice day.